सत श्री अकाल, आप सबको गुरुपुरब की बहुत 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 बधाई हो। सो आज मैं आई हूँ गुरुद्वारे मत्था टेकने के लिए प्लस लंगर खाने के लिए, बिकॉज मुझे ना गुरुद्वारे वाला लंगर बहुत स्वाद लगता है। मैं घर में बहुत ट्राई करती हूँ कि गुरुद्वारे वाला जो लंगर है ना वैसी दाल बन जाए, बट नहीं बनती है, वो टेस्ट आता ही नहीं है। और यहाँ पे जब सब लोग इकट्ठे बैठ के एक ही जगह पे नीचे बैठ के जब लंगर खाते हैं उसका तो मजा ही कुछ और है। गाड़ी मुझे यहीं पे ही पार्क करनी पड़ेगी बिकॉज मुझे कहीं भी आगे पार्किंग नजर नहीं आ रही है। आई गेस यहाँ से 1 किलोमीटर होगा गुरुद्वारा, चल के जाना पड़ेगा, बट इट्स ओके। चलते हैं, वाहेगुरु जी के दर्शन करते हैं, लंगर खाते हैं, तो आप भी चलिए ना मेरे साथ, चलिए। गुरु नानक देव जी ने सिखों के लिए 3 बेसिक गाइडलाइंस फॉर्म की। पहला, नाम जपना, मीन्स हमेशा वाहिगुरु को याद रखना, नाम जपते रहना। दूसरा, किरत करना, मीन्स लाइफ में हमेशा ऑनेस्ट रहना। तीसरा, वांड छकना, मीन्स जो भी आपके पास है, जितना भी है, उसे सबके साथ मिल बांट कर कंज्यूम करना। इसके बाद मैं गई लंगर घर लंगर खाने के लिए। आपको पता है कि गुरु नानक देव जी ने लंगर कॉन्सेप्ट की शुरुआत की थी। लंगर के 3 नोबल प्रिंसिपल्स हैं, चैरिटी, कम्युनिटी सर्विस एंड सोशल इक्वालिटी। यहाँ जो भी आता है वो पेट भर के लंगर खाता है, रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड और बिलीव सच एज कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस और एथनिसिटी। और ये देखिए कितनी शिद्दत से सब लोग गुरु के घर की सेवा में जुटे हुए हैं। उसके बाद मैं वहां गई जहां पर लंगर पक रहा था, ये देखिए। ये जो चपाती मेकिंग मशीन आप देख रहे हैं, इसमें 1 घंटे में 500 से 600 रोटियां बन जाती हैं। तो सोचिए दिन भर में कितने लोगों का पेट भरता होगा। ये मक्खन लग रहा है रोटियों के ऊपर। गुरु के घर में जो आता है कभी भूखा नहीं जाता। शाम हो चुकी थी और लोगों ने दीप माला करना शुरू कर दिया था। लोग कैंडल्स जलाते हैं, दिया जलाते हैं और वाहेगुरु से प्रार्थना करते हैं कि उनके ऊपर अपनी मेहर भरा हाथ हमेशा बना के रखे। वाहेगुरु से यही प्रार्थना है कि हमें इतनी शक्ति और श्रद्धा दें कि हम उनके बताए हुए रास्तों पर चल सकें।
एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सबको गुरपुरब की बहुत बहुत बधाई।